जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव जंक्शन में। जैसा कि हम लोगों ने कल यूनिट वन को डिस्कस किया, फिजिक्स को डिस्कस किया, आज उसी तरीके से केमिस्ट्री एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा। मैंने जैसे कि टाइटल में आप लोगों को लिख रखा है, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री जो 30 नंबर का आपको दे के रखा हुआ, 30 मार्क्स का दे रखा है, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 9, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 और 11 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फंडा क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर दे रखा तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, जिसमें दे रखा परिभाषा, डेफिनेशन, रासायनिक प्रतिकल, केमिकल सिंबल, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, गुण और पृथ्वी पर उपलब्धता, प्लस पदार्थ वाला टॉपिक भी मैंने इसमें डाला है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी 9th में मिल जाएगा। ये सारा टॉपिक आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, लूसेंट आपको साथ में रखनी है। यदि आप ज्ञानचंद को प्रीफर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन लूसेंट अलग, जो साइंस की अलग से आती है, वो वाली, वो नहीं जो आप बिल्कुल एकदम नीला कलर वाली। 9th क्लास में दे रखा है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 6th क्लास में दे रखा है चैप्टर नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को बढ़िया कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, लूसेंट साथ में रखो, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको नोट्स में डालो। वन नोट्स 10 टाइम रिवाइज करोगे, काम बनेगा, ठीक है ना। इतना फंडा क्लियर हुआ, बार बार 10 जगह से छटा भी नहीं मत करना। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट से काफी सफिशियंट, इससे ज्यादा नहीं करना है। एक आधा क्वेश्चन अंतरिक्ष से अगर आ गया, स्पेस से आ गया, तो छोड़ देना, सब छोड़ के आते हैं, है ना। बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं सब नहीं कर पाएंगे उसको, है ना, उसके चक्कर में मत भागना। दूसरा टॉपिक धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल आपको मिलेगा 10th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 और 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, 7th आपको नहीं पढ़ना, 8th आपको नहीं पढ़ना, 10th आपको नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 10th में मिल रहा है और 8th में मिल रहा है, मतलब 6th, 7th और 9th नहीं पढ़ना है। फिर आगे बात करें आवर्त सारणी एवं आवर्तता, मतलब पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में ही आपको ये वाले केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी 10th का चैप्टर नंबर 5 आपको प्रिपेयर करना है, उसमें आपको आवर्त सारणी मिल जाएगी, वहाँ से काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, लूसेंट आपके साथ में रखना। परमाणु, परमाणु संरचना, एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 किसका, 9th क्लास का, यहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इससे ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, देखो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इतना आसान है, मज़ा आ जाएगा। जिसको नहीं आता आसान में, इतना आसान बना दूंगा, मज़ा आ जाएगा। हमारे एक सर थे, उन्होंने हमको केमिस्ट्री पढ़ाई, आदरणीय सर जी जो है अभी रेलवे में सिलेक्टेड है, वो उनकी केमिस्ट्री बहुत शानदार है। तो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको संयोजकता बंध, है ना, या अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही या मेरी किस्मत अच्छी रही, ये कहे आप लोग तो क्या है, आपकी तो सब लोगों की तो बात ही अलग है। अगर वो उनकी ज्वाइनिंग दिवस में होती है तो वही आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें वही पढ़ाने का था। संयोजकता बंध आवर्त सारणी की बात करें तो ये आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला चैप्टर 10th क्लास की, वहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। फिर उसके बाद बात करें परमाणु संलयन, मतलब एटॉमिक सॉरी फ्यूजन, नाभिकीय फ्यूजन और संलयन वाला जो मैटर है, विखंडन की हम लोग बात करें, है ना, तो ये फिजिक्स में भी मिल सकता है चैप्टर आपको, केमिस्ट्री में मिल सकता है। इसके लिए फिजिक्स में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लूसेंट आप पढ़ लेना, लूसेंट से आपका काम बन जाएगा। नोट्स बनाते चलना, नोट्स के बिना काम नहीं बनेगा। आगे बात करें अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर। जैसे एसिड रहने, इसमें से एक क्वेश्चन बार बार पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है वो, पीएच वैल्यू पूछेगा और मान सूचक पूछेगा, तो याद रखना हमेशा, है ना। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5, दो जगह से आप प्रिपेयर करो, प्लस लूसेंट साथ में रखो, नोट्स बनाओ बहुत शानदार तरीके से, 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, प्रॉपर एग्जांपल्स लिखे, तो एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। अगर एग्जांपल नहीं दोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। अम्ल की परिभाषा पूछी, अम्ल लिख दिया, फिर उसका एग्जांपल नहीं दिया तो मतलब नहीं निकलेगा। आगे बात करें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस मिल जाएंगे देखने को, है ना। इसके अलावा आपके पास लूसेंट रहेगी, दैनिक जीवन में रसायन या आपको केमिस्ट्री लूसेंट में मिल जाएगा उसमें, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो मिलेगा। देखो कितना सिंपल दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं उसका, बहुत सिंपल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जो सिलेबस में दे रखा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आता, नहीं आप पहले सिलेबस देखो तो ही तो समझ में आएगा। इतना फंडा हुआ क्लियर। अब पीएससी की क्लासेस कंटिन्यूस देखो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इतने कम व्यूज़ में कैसे पीएससी की क्लास चला पाएंगे। हालांकि मैं कोशिश अभी एक दो दिन में मैं हिंदी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, हिंदी क्लास चलाऊंगा, जेल प्रहरी, एमपीएसआई और एमपीपीएससी तीनों के लिए चलाऊंगा, तो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी अपनी। इसके अलावा मैथ्स की क्लास भी जेल प्रहरी के लिए चलाऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।